लक्ष्मी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरी फोटो क्यों क्लिक की? आपकी फोटो? नहीं, मैंने आपकी कोई फोटो नहीं क्लिक की। देखिए, मैं कभी अपनी फोटो क्लिक नहीं कर पाता हूँ और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपकी कोई फोटो नहीं क्लिक की है। मैं कैसे यकीन कर लूँ आपका, जब मैंने खुद देखा है आपने अपना कैमरा मेरी तरफ किया हुआ था और मेरी फोटो ली थी। एक काम करिए, आप अपना कैमरा मुझे दिखा दीजिए। लेकिन मैं अपना कैमरा आपको क्यों दिखाऊं? जिससे ये साबित हो जाए कि आपने मेरी कोई फोटो नहीं क्लिक की। सॉरी, मैं आपको अपना कैमरा नहीं दिखा सकता। एक्सक्यूज मी, हेलो। तो आप हैं मिस्टर अमित सारंग? आप यहां? बस आ गया ऐसे ही। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? श्योर। मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा हैरानी हो रही होगी कि मुझे आपका एड्रेस कैसे मिल गया और मैं आपका नाम कैसे जानता हूँ, राइट? क्यों, हो रही है ना हैरानी? हाँ, हो तो रही है। बाय द वे, नाइस फ्लैट। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वेल, आज हम जहाँ मिले थे वहाँ आप अपना ये वॉलेट छोड़ाए थे। ओह गॉड, आपका ही है ना? लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं इसमें से कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना? हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इंसान किसी का खोया हुआ वॉलेट उसके घर देने आ सकता है, उसमें से कोई चीज़ मिसिंग नहीं हो सकती। वेल, थैंक्स। अब तो बता दीजिए कि आपने मेरे फोटोज़ क्यों क्लिक किए थे। एंड प्लीज, अब आप झूठ मत बोलिएगा। हाँ, मैंने आपके फोटोज क्लिक किए थे क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे। क्या मैं वो फोटोज देख सकता हूँ? श्योर। क्या ये मैं हूँ? और कौन है यार, मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ। क्यों, आपने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा क्या? हाँ, देखा है, कई बार देखा है, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कमाल आपके कैमरे का है ना? हो सकता है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरी दो चार फोटोज और क्लिक कर दीजिए। ओ हेलो, मैं फोटोज फ्री में नहीं क्लिक करता, आई एम प्रोफेशनल। हाँ तो बताइए, आप क्या चार्ज करते हैं? डिपेंड करता है। मैं कैमरा रेडी करता हूँ, आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। ये कैसे कपड़े हैं? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता हूँ। मॉडल यही तो कपड़े पहनते हैं। बट आई एम नॉट अ मॉडल, सॉरी। मुझे तो लगा तुम बहुत बोल्ड हो गए, लेकिन तुम तो फट्टू निकले एकदम। वॉट, वेट, आई एम नॉट फट्टू, मैं भी पहन कर आता हूँ उसे।
डन। दिखाइए। हाँ, ओह माय गॉड, वाओ, अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा तो आप ये बताइए कि आप ये फोटोज मुझे देंगे कैसे, क्योंकि मैं पेन ड्राइव वगैरह नहीं लाया हूँ। फोटोज तो मिल जाएंगी, लेकिन पहले कीमत तो चुकाओ। कीमत? हाँ, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारी फोटोज क्लिक की हैं, उसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? अब मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप उन्हें ले लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। क्या? खैर छोड़ो। नहीं नहीं, बताओ बताओ, मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, आप बताओ तो। अरे मैंने कहा ना, ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? क्यों करते हो ना? करते क्या हो? लोगों को खुश। मतलब जॉब क्या करते हो? जॉब भी यही करता हूं, लोगों को खुश। ये कैसी जॉब है? हाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। क्लियर बताओ, करते क्या हो? आई एम अ मेल एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट? मतलब प्रोस्टिट्यूशन? हाँ। क्या हुआ? मैं एक मेल एस्कॉर्ट के साथ ये सब? अब प्लीज अजीब सा रिएक्ट मत करो। मेहनत करता हूँ, अपना पेट पालता हूँ, क्या गलत करता हूँ? खुद का मन बहलाने के लिए ना ये सब बातें करना बहुत आसान है। हर किसी की सोच तुम्हारे जैसी हो जाए तो हर कोई धंधा ना करने लगे। ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि इस काम में कोई धोखा, कोई फरेब और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज होता है। गॉड,
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? थैंक्स इतनी इज्जत देने के लिए। अरे सुबह चले जाना। नहीं अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा, क्योंकि जो इंसान मेरी और मेरे काम की इज्जत नहीं कर सकता उसके साथ तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। देखो मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप क्या कह रहे थे क्या नहीं इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे ये बात सोचकर तो बड़ी हैरानी हो रही है कि किसी के पास्ट के बारे में जाने बिना उसके बारे में कुछ भी कह देना ये बहुत गलत बात होती है। मैं तो आपको बहुत इंटेलिजेंट इंसान समझता था, मुझे क्या पता था कि आप भी औरों की तरह ही। एक मिनट सुनो तो विवान। तुम सही कह रहे थे विवान, तुम्हारे पास्ट के बारे में जाने बिना पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ सच में। क्या जानना चाहोगे आप? यही कि बचपन में लोग मुझे कहते थे कि देखो कितना खूबसूरत लड़का है, और जब बड़ा हुआ तो यही खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई। दुनिया को मैं जिस नज़र से देखा करता था उसी दुनिया के कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और रही बात मेरे काम की, तो मिस्टर अमित सारंग जिस काम को मैं कर रहा हूँ ना, उस काम को करने के बारे में मैं सच में सपने में भी नहीं सोचा करता था। और रही बात जॉब की, तो जितना मैं जॉब करके नहीं कमा पाता था उससे कहीं ज़्यादा मैं ये काम करके कमा लेता हूँ। आज मैंने अपने घर वालों की सारी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं जो मैं शायद कभी जॉब करके नहीं पूरी कर पाया था, तो जो मैं कर रहा हूँ ना उसका तो मुझे 1% भी गिल्ट नहीं है। तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए, क्यों ना तुम मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने लगो। तुम्हें तो पता ही है कि मॉडलिंग में कैरियर कितना अच्छा है और तुम्हें पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रहे हो? पता नहीं, शायद तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, और मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें अपने ऑफिस का एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम एक बार वहां ट्राई कर सकते हो। वेल थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं जैसा हूं जहां हूं वहां खुश हूं। मेरी मंजिल, मेरा सफर बस यही है। तो प्लीज मुझे ऐसा ही रहने दो।
कल मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। थाईलैंड? थाईलैंड क्या करने जा रहे हो? एक इवेंट है, बस उसी के लिए। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी आदत सी हो गई है। कुछ महीनों तक मिल नहीं पाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अंदर आओ। तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने आया था। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। आओ अंदर आओ, बैठो। तो इतना तैयार होकर तुम मुझे वैलेंटाइन डे विश करने आए थे? यहाँ पास में एक इवेंट था, उस इवेंट में उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ। तुम्हें मेरा एड्रेस याद था? हाँ। और तुम्हें मैं याद था? हाँ। तुम इतना हैरान हो कि मुझे क्यों देख रहे हो? हैरान होने वाली तो बात ही, जो पूरे 2 साल बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक बन जा रहा हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं जब चाहे जहां चाहे वहां चला जाता हूं। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा ना। वेट, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूं। तुम सही कह रहे हो कि अब मुझे ठहर जाना चाहिए। इसीलिए अब मैं यहां ठहरने आया हूं, तुम्हारे पास। हमेशा हमेशा के लिए।